हेलो गाइज, वेलकम टू टेक बस। तो आज मैं कंपेयर कर रहा हूँ ओप्पो F21 Pro 5G और 4G वेरिएंट का। ये दोनों फोन अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुए हैं और दोनों 20 से 28,000 के बीच अवेलेबल है। तो आज मैं दोनों का इनडेप्थ कंपैरिजन करूंगा, बात करूंगा दोनों की डिज़ाइन, कैमरा फीचर्स और गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में, और आपको बताऊंगा कि इनके बीच में जो प्राइस डिफरेंस है वो वर्थ है या नहीं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको फ्यूचर वीडियो नोटिफिकेशन आ सके। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिजाइन की बात करें तो दोनों फोन्स फर्स्ट लुक में काफी अच्छे दिखते हैं। F21 Pro 4G वाला काफी फंकी और क्लासी लगता है ये फाइबर ग्लास लेदर टेक्सचर्ड बैक पैनल के साथ, स्पेशली येलो कलर में। और कैमरा मॉड्यूल पर शाइनी ब्लैक और ब्रश मेटालिक फिनिश भी काफी अच्छा लगता है। 5G वाले का लुक भी काफी यूनिक है विद स्पार्की रेनबो इफेक्ट बैक पैनल। और कैमरा मॉड्यूल का डिजाइन भी काफी यूनिक है क्योंकि कोई कैमरा आइलैंड नहीं है, सिर्फ बैक पैनल का टेक्सचर चेंज किया है। दोनों का बैक पैनल प्लास्टिक का है और फुल फ्लैट है। दोनों फोन्स में फिंगरप्रिंट मार्क्स भी नहीं आते बैक पैनल पर। दोनों में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है विद LED फ्लैश। दोनों में साइड में मैट फिनिश प्लास्टिक फ्रेम है। बाकी दोनों पे सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर, 3.5mm ऑडियो जैक और 1TB तक के HD कार्ड का सपोर्ट मिलता है। 5G वाले में ड्यूल 5G सिम का सपोर्ट है और 4G वाले में ड्यूल 4G सिम का। फ्लैट डिजाइन की वजह से दोनों फोन्स काफ़ी प्रीमियम लगते हैं होल्ड करने में, बट कंफर्टेबल नहीं लगते। बिल्ड क्वालिटी सेम है, ग्रिप दोनों में सिर्फ डिसेंट है। दोनों फोन्स में ऑर्बिट ब्रीदिंग लाइट मिलती है, 5G वाले में ड्यूल लाइट्स है और 4G वाले में सिंगल लाइट, और ये नोटिफिकेशन और चार्जिंग के वक्त ऑन होती है। फ्रंट से देखेंगे तो दोनों के साइड और चेन का बेजल एकदम सेम है और दोनों में टॉप कॉर्नर में पंचोल सेल्फी कैमरा है। बाकी सेफ्टी के लिए 4G वाले में गोरिल्ला ग्लास 5 जबकि 5G वाले में स्कॉट सेंसेशन ग्लास की प्रोटेक्शन दी गई है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बूटिंग टेस्ट से, जिसके लिए हम दोनों को रिस्टार्ट करेंगे। जब तक ये बूट हो रहे हैं तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर भी क्लिक कर लीजिए। तो F21 Pro 5G बहुत ही मार्जिनल डिफरेंस से बूटिंग टेस्ट जीता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो F21 Pro 5G रन कर रहा है Android 11 पर विद ColorOS 12, जो मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा क्योंकि 4G वाला Android 12 पर है विद ColorOS 12.1, जिसकी वजह से सिक्योरिटी वगैरह 4G वाले में थोड़ी बेटर मिलती है। बट क्योंकि दोनों फोन्स ColorOS 12 पर है इसलिए सिमिलर कस्टमाइजेशन ऑप्शंस, लुक्स और फीचर्स मिलते हैं। दोनों का UI काफ़ी स्मूथ है, कोई लैग या फ्रेम ड्रॉप नहीं मिलता। बट मेरे रिव्यू के वक्त F21 Pro 5G में रैम मैनेजमेंट में मुझे थोड़ा इशू लगा क्योंकि ऐप्स पहले से बैकग्राउंड में खोले होने के बाद भी फिर से रिफ्रेश हो रहे थे। तो आई होप ये जल्दी सॉल्व हो जाए। और अगर आपको F21 Pro 5G का रिव्यू देखना है तो टॉप राइट कॉर्नर में कार्ड को क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। दोनों में काफ़ी ब्लॉटर ऐप्स पहले से लोडेड मिलते हैं, जैसे कि फिनशियल पे, डेली हंट, जोश, हॉट ऐप्स, हॉट गेम्स वगैरह। और इनमें से डेली हंट काफ़ी बेकार सी एड्स डिस्प्ले करता रहता है नोटिफिकेशन पैनल में। अब स्पीड टेस्ट करते हैं इनका। दोनों में से बैकग्राउंड ऐप्स को क्लियर कर देते हैं। F21 Pro 5G में दिया है स्नैपड्रैगन 695 चिपसेट और F21 Pro 4G में है स्नैपड्रैगन 680। दोनों के डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो 1:2 रन हो रहा है और हमने वीडियो का स्पीड इंक्रीज कर दिया है। हमारे ओप्पो डेमो यूनिट्स है जो बार बार रिसेट होते हैं, इसलिए हम दोनों के स्क्रीन को कंटिन्यूसली टच कर रहे हैं। तो 1:2 टेस्ट हो चुका है और 5G वाले ने काफ़ी ज़्यादा स्कोर किया है 4G वाले के कंपैरिजन में। अब इससे डेली परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है या नहीं वो तो ऐप लोडिंग टाइम से पता चल जाएगा। तो दोनों फोन्स सेम वाईफाई पर कनेक्टेड है और सभी बैकग्राउंड ऐप्स को क्लियर कर दिया गया है। सबसे पहले चालू करते हैं बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया या PUBG। दोनों ने ऐप को टच करने के बाद थोड़ा डिले किया है रिस्पॉन्ड करने में। F21 Pro 5G PUBG में स्मूथ पर अल्ट्रा FPS और HD ग्राफिक्स पर हाई FPS तक सपोर्ट करता है, जबकि F21 Pro 4G स्मूथ पर हाई FPS और बैलेंस पर मीडियम FPS तक ही सपोर्ट करता है और HD का तो सपोर्ट ही नहीं मिलता, जो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। तो PUBG पहले 5G वाले में ओपन हुआ है, वो भी अच्छे खासे डिफरेंस है। नेक्स्ट चालू करेंगे एसफॉल्ट 9। दोनों फोन्स 8GB 128GB वेरियंट है और दोनों में 5GB की वर्चुअल मेमोरी मिलती है, मतलब दोनों फोन्स इनके स्टोरेज से एक्स्ट्रा 5GB को एज रैम यूज़ कर सकते हैं, मतलब आपको टोटल 13GB रैम मिल सकता है जरूरत पड़ने पर। तो एसफॉल्ट 9 पहले ओपन हुआ है 4G वाले में, तो आप स्कोर है 1-1। नेक्स्ट चालू करेंगे बीच बगी रेसिंग 2। थर्मल्स की बात करेंगे तो दोनों में आपको 15 से 20 मिनट बाद बैक पैनल पर हल्का वार्म लग सकता है, बट ओवरहीटिंग का इशू नहीं आएगा अनलेस आप धूप में बैठ के गेमिंग करो। बीच बगी रेसिंग 2 5G वाले में पहले ओपन हुआ है, गेम चालू करके देखते हैं। गेम भी पहले 5G वाले में ही लोड हुआ है। अब चालू करेंगे सबवे सर्फर। दोनों में 4,500 mAh की बैटरी है और बैटरी बैकअप में दोनों फोन्स काफ़ी सिमिलर है। दोनों में 8.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है। सबवे सर्फर भी पहले F21 Pro 5G में ही खुला है। अब लास्ट आते हैं हंगरी शार्क एवोल्यूशन पर। यहाँ भी 5G वाला ही विनर है। गेम चालू करके देखते हैं। गेम भी पहले लोड हुआ है 5G वाले में, तो 5 में से 4 गेम F21 Pro 5G और 1 गेम F21 Pro 4G में फास्ट खुला है। तो गेमिंग परफॉर्मेंस तो 5G में ही बेटर है नो डाउट, बट अगर आप सिर्फ डेली यूजेज के लिए फ़ोन खरीदना चाहते हैं तो 4G वाला थोड़ा बेटर है क्योंकि उसमें रैम मैनेजमेंट बेटर मिलता है।
F21 Pro 5G में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। F21 Pro 4G में भी ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल का माइक्रोस्कोपिक कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। इसके भी डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोनों फोन्स में फ्रंट और बैक कैमरा से सिर्फ 1080p 30fps वीडियोस ही शूट कर सकते हैं और दोनों में सिर्फ बैक कैमरा में ही 120fps स्लोमो दिया गया है। दोनों में पोर्ट्रेट मोड विद लाइटिंग इफेक्ट, लाइव फिल्टर्स, प्रो मोड, AI कलर बूस्ट मोड मिलता है। F21 Pro 5G में ड्यूल वीडियो मोड और मैक्रो मोड है, जबकि F21 Pro 4G में माइक्रोस्कोपिक मोड दिया है जो हाथ के बाल की जड़ तक पे फोकस कर सकता है। आपको 15x और 30x तक का ऑप्शन मिलता है जिससे आप आपका जूम एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए कुछ कैमरा सैंपल देखते हैं। डे टाइम फोटोज़ में ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं है, दोनों काफ़ी अच्छे फोटो कैप्चर करते हैं, कलर्स प्रॉपर है, शेडोज़ में डिटेल्स भी काफ़ी ब्राइट रहती है, बट 4G वाले के कलर्स थोड़े ज़्यादा वाइब्रेंट है। HDR फोटोज़ दोनों में नॉर्मल लाइट हो या डायरेक्ट सनलाइट काफ़ी अच्छे आते हैं, दोनों फोरग्राउंड की डिटेल्स को अच्छे से मेंटेन करते हैं बिना सन एरिया को ज़्यादा ओवर एक्सपोज किए, बट कभी 5G वाला बेटर होता है तो कभी 4G वाला। आउटडोर पोर्ट्रेट दोनों में अच्छे आते हैं, स्किन टोन्स दोनों के इतने एक्यूरेट नहीं रहते बट 4G वाले के स्किन और ओवरऑल कलर टोन्स नेचुरल है, 5G वाले ने कुछ ज़्यादा ही वाइब्रेंट कर दिया है। बाकी एज डिटेक्शन दोनों का ही सेम है, बट इंडोर पोर्ट्रेट में 4G ने काफ़ी बेटर कलर मेंटेन किया है, 5G में स्किन थोड़ी वाइट हो गई है और कलर्स भी ओवरऑल थोड़े वॉश्ड आउट है। बाकी इंडोर फोटोज़ भी 4G वाले में ही बेटर आते हैं क्योंकि फोटो ज़्यादा ब्राइट है और वाइब्रेंट है, शेडोज़ में भी डिटेल्स बेटर विजिबल है इसमें। 5G वाले में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिलता है और 4G वाले में 2 मेगापिक्सल का माइक्रोस्कोपिक कैमरा, जिससे मैंने इस टॉय की आँख पर काफ़ी सामने से फोकस किया है। लो लाइट में कोई क्लियर विनर नहीं है, दोनों के फोटोज़ काफ़ी सिमिलर रहते हैं, बस हल्का सा कलर टोन में डिफरेंस है, बट कभी 5G वाला बेटर होता है तो कभी 4G वाला। आउटडोर सेल्फी में दोनों स्किन को ब्राइट कर देते हैं, बट 4G वाले में कुछ हद तक कलर्स प्रॉपर है जबकि 5G वाले में कलर्स थोड़े वॉश्ड आउट है। बाकी डायनेमिक रेंज, डिटेल्स वगैरह दोनों में ही सेम है। इंडोर सेल्फी में भी यही चीज़ कंटिन्यू होती है, बट डिफरेंस और भी क्लियर है, 4G वाले के कलर्स थोड़े बेटर है। यह है दोनों का वीडियो सैंपल। सैडली दोनों में सिर्फ 1080p एट 30fps का ही सपोर्ट मिलता है, 60fps या 4K नहीं मिलता। कलर्स की बात करेंगे तो 5G वाले में कलर्स नेचुरल है जबकि 4G वाले में कलर्स थोड़े वार्म है। HDR दोनों का सेम काम करता है बट शेडोज़ 5G वाले में थोड़े ज़्यादा ब्राइट है। दोनों में जायरो EIS दिया गया है और दोनों का स्टेबलाइजेशन डिसेंट और सेम है। बाकी फोकस स्पीड दोनों का काफ़ी अच्छा है, कोई इशू नहीं आता। यह है दोनों का नाइट सैंपल, कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस 4G वाले में कलर्स थोड़े ज़्यादा वाइब्रेंट है, बाकी स्टेबलाइजेशन सेम है। अब आता है डिस्प्ले पर। 4G वाले में 90Hz रिफ्रेश रेट है जबकि 5G वाले में 60Hz ही दिया गया है, जिसकी वजह से 4G वाले में एनिमेशंस, स्क्रोलिंग एंड स्वाइपिंग ज़्यादा स्मूथ लगता है F21 Pro 5G से। आप चेक करते हैं डिस्प्ले की ब्राइटनेस और सैचुरेशन। F21 Pro 5G ऊपर है और 4G नीचे। दोनों के डिस्प्ले के डिटेल स्पेसिफिकेशंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोनों फोन्स अब फुल ब्राइटनेस पर है। नॉर्मल कंटेंट वॉचिंग के लिए दोनों के डिस्प्ले काफ़ी अच्छे हैं, डिस्प्ले ब्राइट और काफ़ी वाइब्रेंट है। एमोलेड डिस्प्ले की वजह से कॉन्ट्रास्ट भी काफ़ी अच्छा मिलता है, बट दोनों ही फोन्स में HDR वीडियो का सपोर्ट नहीं मिलता। बाकी व्यूइंग एंगल दोनों का काफ़ी सिमिलर है, डिस्प्ले को टिल्ट करने पर भी कलर्स या ब्राइटनेस वॉश्ड आउट नहीं लगते। आउटडोर विजिबिलिटी की बात करें तो नॉर्मल धूप में दोनों के डिस्प्ले ठीक से विजिबल रहते हैं, बट ज़्यादा धूप होने पर दोनों के डिस्प्ले थोड़ा इशू देते हैं आउटडोर में। दोनों फोन्स में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक मिलता है और दोनों का स्पीड एकदम सिमिलर है, तो यहाँ पर आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो अब चेक करते हैं दोनों के स्पीकर का साउंड। दोनों ही फोन्स में आपको सिंगल स्पीकर मिलता है नीचे की तरफ, तो पहले चेक करते हैं 5G वाले का साउंड। अब चेक करते हैं 4G वाले का। तो स्पीकर में 5G वाले का साउंड थोड़ा सा ज़्यादा लाउड है, फुल वॉल्यूम पर बिल्कुल डिस्टॉर्ट नहीं होता। इसका भी साउंड ऐसा कोई डिस्टॉर्ट नहीं होता, बट मार्जिनली 5G वाला बेटर है, तो यहाँ पर 5G वाला ओप्पो F21 Pro जीतता है। तो दोस्तों ये था हमारा इनडेप्थ कंपैरिजन वीडियो F21 Pro 5G और F21 Pro 4G का। गेमिंग परफॉर्मेंस और स्पीकर के लिए 5G वाला बेटर है और डिस्प्ले डेली यूजेज के लिए 4G वाला। कैमरा में ऐसा कोई खास विनर नहीं है क्योंकि कभी 5G वाला अच्छा था तो कभी 4G, बट F21 Pro 5G के पास एक एडवांटेज है कि 5G फोन होने की वजह से वो एक फ्यूचर प्रूफ फोन बन जाता है। बट अगर आपको इससे और गेमिंग परफॉर्मेंस से फ़र्क नहीं पड़ता और सिर्फ डेली यूजेज के लिए ही फ़ोन चाहिए, तो आप F21 Pro 4G ले सकते हैं क्योंकि ओवरऑल वो काफ़ी बेटर वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। तो आई होप इस थोड़े से आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए,
हम जल्दी लौटेंगे ऐसे ही टेक एंड गैजेट वीडियोस के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।